हर खबर सच्चाई के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश भर के किसानों के खातों में करोड़ों रुपए की राशि डाली गई। सरकार जहां इसे लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं बड़वानी जिले में किसानों के साथ छलावा दिखाई दे रहा है। जिले में कई किसानों के खातों में 8 रुपए, 11 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए तक की राशि डाली गई है। इससे किसानों ने अपना अपमान बताया है। किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान को देखते हुए उनकी भरपाई के लिए वर्ष 2016 से प्रधानमंत्री बीमा योजना की शुरुआत की गई, लेकिन इस बीमा योजना पर कई तरह के सवाल शुरू से उठते आए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा बड़वानी जिले में 29,000 किसानों के खातों में 762 लाख की राशि डाली गई। वहीं जब किसानों के खाते की राशि डालने को लेकर हमने भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष मनसाराम पंचोले से बात करी तो उन्होंने कहा कि यह राशि किसानों का एक तरह से अपमान है। मनसाराम आज जारी हुई लिस्ट के आधार पर कहते हैं कि जिले के बांद्रा कच्छ में किसान के खाते में जहां 8 रुपए की राशि आई है, वहीं मोयदा में 7 किसानों के खाते में 11 रुपए की राशि आई है। ग्राम बुकराटा में 7 किसानों को 22-22 रुपए, ग्राम पनाली में 11 किसानों को 63-63 रुपए, ऐसे जिले के हजारों किसानों को 300 रुपए से कम की राशि दी गई है। किसान संघ जिलाध्यक्ष कहते हैं, क्या किसानों ने अपने खेत के किसी एक पौधे का बीमा कराया था? मनसाराम पंचोले, भारतीय किसान संघ जिलाध्यक्ष बड़वानी। किसानों का फसल बीमा राशि बांटी गई, उसमें किसानों को अपमानजनक पैसे देने की बात हुई है। पैसे जैसे कि मतलब किसी किसान को जन चर्चा के दौरान पता चला है और सूची के माध्यम से पता चला है कि किसी को 8 रुपए, किसी को 18 रुपए, किसी को 22 रुपए, किसी को 34 रुपए, किसी को 100 रुपए, ऐसी राशि बांटी गई है। तो किसानों ने क्या कुछ पौधों का ही बीमा करवाया था, और क्या किसानों से इतनी ही प्रीमियम ली गई थी? जिससे ये पता चलता है कि किसानों को खुली लूट बीमा कंपनियों द्वारा छूट दी गई है, राज्य सरकार द्वारा, कि किसानों को लूटो। कितना प्रीमियम भरा गया था जिले से? प्रीमियम गया था, जन चर्चा के दौरान पता चला है कि 10 करोड़ रुपए गया था, और 7.5 करोड़ रुपए वापस प्रीमियम के बदले किसानों को बीमा बांटा गया है। इसका हम घोर विरोध करते हैं। इसकी जांच भी होनी चाहिए, पता चले कि किनके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया कि किसानों को 8 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए ऐसी राशि डाली गई। किसानों का अपमान करने जैसा, किसानों का स्वाभिमान खत्म करने वाली ये चीजें हैं जो भी डाली गई किसानों को। किसान आज पूरे देश का अन्नदाता है। किसान 125 करोड़ का पेट भरने वालों को आज ऐसा अपमान करके छोड़ा गया है कि 8 रुपए में एक कचौरी या पोहा भी नहीं आ सकता, उसे आज 8 रुपए की राशि दी गई है। वहीं ग्राम मोयदा में 11 रुपए फसल बीमा प्राप्त करने वाले किसान का कहना है, उसे अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं कि कितना बीमा पास हुआ है, लेकिन वह कहता है कि आधा एकड़ में मक्का बोई थी और पूरी खत्म हो गई, 1,000 रुपए उसका फसल में खर्च हुआ था। क्या नाम है दादा? रंजन। कहाँ रहते हो? कितनी खेती आपकी? ये 3 एकड़ जमीन है, इसमें बंटवारा है 2 भैया। क्या मक्के का बीमा करा था आपने? हाँ करा। कितने एकड़ में लगाया था? आधा एकड़ में लगाया। क्या हुआ मक्के का? मक्के खराब हो गई थी, कीड़े पड़ गए पानी के कारण। तो क्या इसका बीमा करा था, उसके बाद कोई अधिकारी आए थे? नहीं आए। आज तक नहीं आए? नहीं आए। आपको मालूम है आपके बीमा कितने का पास हुआ है? ये आपको नहीं मालूम कितने का हुआ है? बीमा करने के बाद कोई अधिकारी नहीं आए? नहीं। आपका नुकसान हुआ उसके बाद? नहीं आए। जब हमने कृषि विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से इस संबंध में बातचीत की तो उन्होंने कहा कि यह तो उस हलके की फसल उपज कटाई प्रयोगों पर निर्भर करता है। उस हलके की उपज क्या है, औसतन उपज कितनी है, थ्रेशहोल्ड उपज क्या है, इन सब को कैलकुलेट करके ही कंपनी बीमा दावा तैयार करती है। रश इंडिया न्यूज के लिए बड़वानी सदित्य शर्मा की रिपोर्ट। द्वारा बीमा किया जा रहा है सर, किसानों में कहीं ना कहीं नाराजगी है सर, बीमा की राशि 8 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये इस कंडीशन में दी जा रही है सर, इसके लिए? ये तो उसके फसल कटाई प्रयोगों के ऊपर निर्भर करता है कि उस हलके की उपज कितनी आई, औसत उपज कितनी है, थ्रेशहोल्ड उपज कितनी है, इनको सबको कैलकुलेशन करके ही फसल बीमा कंपनी बीमा दावा तैयार करती है। देख रहे हैं रश इंडिया न्यूज़, हर खबर सच्चाई के साथ।